मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। बहन बेटियां तो सबके घरों में है, सबको विचार करना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। अगर वो हमारे देश की बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें वोट देने का, वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। जिनको नगन घुमा रहे थे वो कैसे पुरुष थे? ऐसे इंसानों को तो तुरंत फांसी देनी चाहिए। अभी तक देश को यह पता था कि उनका प्रधानमंत्री लफाज है, जुमलेबाज है। आज पहली बार पता चला है कि देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा भी आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का दिल कमजोर भी होता है। मणिपुर की दो बहनों के साथ जो वहाँ हुआ, उस वक्त काश किसी मर्द ने उस घटना का विरोध किया होता तो शायद उन दो बहनों और विश्व भर की महिलाएं एवं भारत माता की भी इज्जत बचाई जा सकती थी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस समय वहाँ पर कुछ पुरुष भी थे, पुलिसकर्मी भी थे। हमें इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा है कि वहाँ पर कोई मर्द भी था, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई मर्द होता तो ज़रूर वह मर्द अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपनी इंसानियत के नाते ईमानदारी से और वहाँ बड़ी निर्भीकता से उनका विरोध कर रहा होता। खबर को शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दें। हमारे चैनल की खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दें, और आपको लगता है कि हम जो खबर आपको दिखाते हैं वह समाज हित में है, शोषण के खिलाफ खड़ी है, तो वीडियो को शेयर भी कर दें। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं आज की यह खास खबर समता आवाज़ टीवी पर। क्या हम सच में अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं सकते थे? ये बहुत बड़ा सवाल आज की इस वीडियो से मैं आपके बीच में छोड़ कर जा रहा हूं। क्या हम नपुंसक हो चुके हैं? ये घटना सिर्फ मणिपुर के लिए मर्यादित नहीं है, आज संसार की सभी महिलाओं का अपमान हुआ है। पूरे विश्व में भारत का नाम चल रहा है तो इसलिए कि भारत में अगर स्त्री को देवी का अवतार माना जाता है तो यहाँ पर सारे देवियों एवं भारत माता का भी अपमान हुआ है। हम इस बात पर चिंतन मनन करें, कुछ नए नियम बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि इंसानियत और ईमानदारी हमारे अंदर बनी रहे। अपनी माँ बहन बेटियों के साथ दोबारा ऐसे घृणित कृत्य ना हो और हमारी माँ बहन बेटियों और विश्व की महिलाओं को सम्मान मिले। इस घटना ने सारे विश्व को हिला दिया है। भारत देश के नाम को विश्व पटल पर रोशन कर रहे ऐसे आतंकियों के बारे में हम क्या कहें? खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री उक्त घटना से बड़े क्रोध में हैं और ना जाने क्या कर बैठे। खैर, प्रधानमंत्री तो अपना गुस्सा दिखाकर लाल पीले होकर अब तक ठंडे भी पड़ गए होंगे, मगर हमारे देश की न्याय पसंद बेटियां इस घटना को लेकर सड़कों पर अपना रोष जाहिर कर रही हैं। पहले देखिए ये तस्वीरें। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, 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 मणिपुर सरकार तस्वीरें हैं लखनऊ की, जहां लक्ष्य कमांडरों ने
सड़कों पर उतरकर मणिपुर कांड पर रोष प्रकट किया। मोदी सरकार को घेरते हुए भारतीय समन्वय संगठन की वरिष्ठ कमांडर रेखा आर्य ने मीडिया के सम्मुख अपनी बातें रखते हुए कहा कि बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नारा देते हैं जी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जी, ये बिल्कुल नारा सूट नहीं करता है। आज हमारी बेटियों को, आज बेटियों को नग्न करके, उनकी जो है उनको नग्न करके सड़क पे घुमाया गया। कम से कम लाखों की भीड़ थी, वो आदमी कैसे आदमी थे जो उस महिला को देख रहे थे, उन बच्चियों को देख रहे थे। आज ये भारतीय समन्वय संगठन लच की महिलाएं निकली हुई है, इसका विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। बहुत हम लोग इस घटना से बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। वहाँ के जितने बहुजन समाज के नेता हैं, तो बहुजन समाज के नेताओं को कहते हैं वो अपने हाथों में चूड़ियां पहन ले, अगर वो तो अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते हैं, तो अपने हाथ में चूड़ियां पहन करके इस्तीफा दे करके वो घरों में बैठ जाए, अपने घरों में बैठ जाए। हम महिलाओं के हाथ में दे दें, हम सरकारें चलाएंगे, हम बहन बेटियों की इज्जत से इज्जत की रक्षा करेंगे। हम तो कहते हैं अपनी बेटियों से कहते हैं, अपनी महिलाओं से कहते हैं, हम तो कहते हैं ये फूलन देवी बन जाए, फूलन देवी बन जाए। किसी की इज्जत पे हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत इस बात से बहुत चिंता हुई है, आंख में आंसू निकलते हैं, रात में नींद नहीं आती है। वो हमारे समाज की बेटियां थी जिनको नगन घुमा रहे थे, वो कैसे पुरुष थे। ऐसे इंसानों को तो तुरंत फांसी देनी चाहिए, इनको इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर सजा उनको दे तो सजा में उनको तुरंत फांसी देनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री का जो ये नारा है बिल्कुल एकदम झूठा है, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी हाल ही में अपने लंदन के दौरे से वापस आई वरिष्ठ कमांडर संघमित्रा गौतम ने भी अपना रोष प्रकट किया। अगर हमारे समाज के साथ में गलत होगा तो ये संगठन चुप होने वाले हैं। हम अपनी जाने दे देंगे लेकिन संविधान की हर हाल में रक्षा करेंगे। हर वो व्यक्ति कान खोल करके सुन ले जो वो ये सोचे बैठा है या वो प्लान कर रहा है कि ये लोगों में जान नहीं है, ताकत नहीं है। हम संगठित होकर के एक दिन ऐसा आएगा कि उनको घर में घुस के मारेंगे। ये महिलाएं, ये देखिए सैकड़ों की संख्या में ये महिलाएं ऐसे नहीं आई है, आक्रोश है इनके अंदर। एक महिला का डर समझ रही है, लेकिन भारत की मनुवादी सरकारें वो नहीं समझ रही है। वो उनकी व्यवस्था में है, उनकी सोच में है, उनकी मानसिकता में है। और मैं उन लोगों से, बहुजन समाज के नेताओं से, उन गीदड़ों से मैं कहना चाहती हूँ, उन हराम खोरों से मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है उस मनुवादी सरकारों से बाहर निकल करके हमारे समाज का साथ दीजिए, बहन बेटियों का साथ दीजिए। नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी खुद की भी बहन बेटी सेफ नहीं रहेगी। विजयलक्ष्मी बोध ने तो सीधे सीधे मोदी सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे का हवाला देते हुए अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि घट रही है, ये सोच के दिल दहल जाता है। हम किस देश में रह रहे हैं? क्या ये वही देश है जहाँ पे बेटियों को पूछते हैं? हमारे प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियों को बचाया जा रहा है कि हमारी बेटियों को सड़क पर नंगा घुमाया जा रहा है। आदिकाल से ही हमारी बहन बेटियों को नंगा किया जाता था, पहले ये राजमहलों में होता है, आज सड़कों पर हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको सहेंगे नहीं। हम सारी जो इस देश की आधी आबादी है, जो हमारी बहने हैं, वो इसका पुरजोर विरोध करेंगी। हम महिलाओं को भारतीय संविधान ने ये हक और अधिकार दिया है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हम इसी प्रकार सड़कों पे उतर कर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को किसी भी तरह का हम लोग को हमारी जोड़ी कर ले, हम हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं। सोचने वाली बात है कितनी क्रूरता कितनी अमानवीयता आज देश के हर राज्य में घटती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार एक दलित एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। सोचने वाली बात है क्या उनको पकड़ा गया, क्या उनको सजा हुई? हमारे इस देश में जो 85% समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अच्छे से रहने का अधिकार नहीं है? अगर हमारे समाज के लोग आज अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? हमारे आदिवासी भाई बहन जो शांति पूर्वक
आराम से रहते थे, उनके ऊपर इतनी क्रूरता की जा रही है। हम लोग सोच के हम लोगों का दिल भर जाता है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। उस घटना को देख के हमारी बहनें जो है आंखों से आंसू निकालने लगी। उनका हृदय एकदम फूट फूट के एकदम भर चुका है कि किस प्रकार अपनी वेदना को हम व्यक्त करें। हमारी सरकार 2 महीने से सोई पड़ी हुई थी। क्यों सोई हुई थी वो? क्यों नहीं जाके सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया ताकि वो घटनाएं बाहर निकल के ना आ पाए? जब नेट बंद कर रखा है, जब एक घटना सामने आई उसके बाद अभी आज हमने फिर एक घटना देखी, किस प्रकार क्रूरता से उस महिला को मारा पीटा और उसके सर पे गोली मारी। उस वक्त वहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद थे। पुलिस और शासन प्रशासन की मौजूदगी में दलित आदिवासी और ओबीसी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे अत्याचार और शोषण को भारतीय सदन पे संगठन लक्ष्य बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन में है जो मंत्री विधायक हैं, सबका शर्म से सूख जाना चाहिए। इस तरह से बेरहमी की घटना हुई है, इसमें तो सरे आम गोली मार देनी चाहिए। और यहाँ तक कि उस वीडियो में हमने देखा, हमारे सारे लंच टीम ने देखा है कि सबके चेहरे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब क्या जताना चाह रही सरकार, अब क्या जताना चाह रहा है शासन प्रशासन? जब सबके चेहरे नजर आ रहे हैं तब तो कोई वही नहीं है, दो राय नहीं है, उनको फांसी देनी चाहिए। आज खबर के बाद मैं आपसे कोई अपील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप अपने चैनल को जीवित रखना चाहते हैं तो नीचे दिए ज्वाइन बटन पर जाकर हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। नमस्कार।